है आपका हमारे YouTube चैनल काजल्स किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बनाना बर्फी। हमने यहाँ पे 4 बनाना लिया है। इस तरह का बनाना आप लें, क्योंकि इस तरह का बनाना अगर कोई खाता नहीं है घर पे तो आप इसे फेंके ना। इससे हम कुछ आज बर्फी बनाना सीखेंगे। तो हमने बनाना को छील लिया है और इस तरह से छोटे छोटे भागों में हमें इसे कट कर लेना है। अब इसे हम मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं, एक पतला पेस्ट बना लेते हैं। पर इसे पानी वानी नहीं डालना है हमें। हम एक पेन में 2 चम्मच घी डालते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर हम इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसे निकाल कर हम उसी पेन में 1 कटोरी आटा डालेंगे। गेहूं का आटा डाला है हमने, आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि आटा का स्वाद हमें कच्चापन ना लगे। अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी मिलाते हैं, इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। हम इसमें बनाना प्यूरी डालेंगे जो मिक्सी में पीस कर हमने रखा था, इसे भी डालकर हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि ये पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है ताकि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, वो पैन पे चिपके ना। बनाते हैं गुड़ की सिरप। तो हमने 1 कटोरी में गर्म पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ा है। अब उसमें गुड़ डालकर गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बनाना सिरप रेडी है। अब हम इसे भी पैन में डालकर मिला लेंगे। पैन में इसे डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। अगर यह पैन में चिपकने लगे तो आप इसमें 1-1 चम्मच करके घी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कलर के लिए फूड कलर का इस्तेमाल किया है ताकि इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा दिखता है। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे और इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, आप अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हलवा तैयार है। ये अब पैन में भी नहीं चिपक रहा है। इसे निकाल कर एक प्लेट में अच्छे से ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे फ्रीजर में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद आप इसे फ्रीजर से निकाल के इसे कट कर लीजिए और इसे खाएं, सभी को खिलाएं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है और यह हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है, ये आटे से बना हुआ है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।